Hello guys, welcome back shikha.ses. Now universal set, universal represent by this one, and it is the sub superset of all the sets under consideration. That means ki agar hamare paas koi set hai, yahan par agar hum lete hain a equal to 1 2 3, then जो यूनिवर्स सेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, इसको तो कंटेन करेगा ही 1 2 3 को, इसमें सारे जो नेचुरल नंबर है वो आ जाएंगे, तो हम सारे नेचुरल नंबर को यहाँ पर दिखा सकते हैं. तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ. दैट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में सारे ही सेट होते हैं. नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट मीन्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन टू सेट, मीन्स कि कोई भी दो हमारे पास सेट हों उनमें कोई भी कॉमन ना हो. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए बी सी है और यहाँ पे एक्स वाई जेड है. जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दैट मीन्स कि कोई कॉमन है कि नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. दैट मीन्स कि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेट ऑपरेशन. तो फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है या जो भी हम सेट लेंगे उनमें से हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है, यू लिया हुआ है सेट, और यहाँ पर हमने ए सेट लिया हुआ है. हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जो भी हमारे पास सेट दिया हुआ है उसमें से हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे माइनस करना है. तो इस तरीके से हम अपना कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं. 1 2 3 4 5 यू सेट में है और ए में 1 4 है. दैट मीन्स कि 1 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे. बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट आएंगे. तो आप देखिए यहाँ पे 2 3 एंड 4 5 बच रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया 2 3 एंड 5. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं. तो जैसा कि हमने लास्ट मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ा था, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो सेम वही वैल्यू आ जाती है. इसे रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ए डैश बी ए डैश का होल डैश, ठीक है, तो वो भी वैल्यू हमारी ए आएगी. अब अगर हम एक वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट मतलब आ जाएगा. ठीक, जो भी वैल्यू दी हुई है उसमें आ जाएगा. देन अगर हम उसी का खुद के सेट से ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट खुद के सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. दैट मीन्स कि इसमें जो चीज़ होंगी इसके अपोजिट में वो चीज़ होंगी, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू नल आएगी. नेक्स्ट सेट ऑपरेशन इज यूनियन. यूनियन दोनों को यूनाइट करते हैं, ठीक है, जो भी दोनों में है वो दोनों ही पूरे एलिमेंट, जो भी सारे एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट जो है वो आ जाएगा हमारा यूनियन में. इंटरसेक्शन में क्या है, ओनली कॉमन एलिमेंट आएगा इंटरसेक्शन में. ए और बी में जो कॉमन है, यहाँ पर आप देखिए ए बी में इन दोनों सेट में सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है. तो इंटरसेक्शन में हमारा क्या आया, ए आया. अब डिफरेंस ऑफ अ सेट दैट मीन्स ए माइनस बी, तो ए बी जो हमारा ये दिया हुआ है इसमें से हम बी माइनस करेंगे. दैट मीन्स कि ए के हमारे वो एलिमेंट रहेंगे जो बी में है वो हट जाएंगे, और बाकी बी के दो जो एलिमेंट नहीं है ए में वो भी उसमें नहीं आएंगे माइनस में. आप यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, तो आप देख सकते हैं बी सी डी, यहाँ पर देखिए बी सी डी है, जबकि ई एफ नहीं है. ई एफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम बी को माइनस कर रहे हैं ए से, तो ए दोनों कैंसिल आउट हो गए. बाकी जो बचेंगे रिमेनिंग वो हम ए माइनस बी के सेट में लिखेंगे. सेम अगर हमें b माइनस ए निकालना है, तो आप देख ही रहे हैं कि a कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पर हम b माइनस ए निकाल रहे हैं, तो b के हमारे रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, ना कि a के. तो ये ध्यान रखिएगा कि किस में किसको माइनस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसी के सेट उसमें लिखे जाएंगे. नेक्स्ट है इसे जो हम कहते हैं a माइनस बी को रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है. किसका, बी इन ए. दैट मीन्स कि हम जिसको भी माइनस करेंगे उसे ऑफ बी इन ए कहेंगे. अगर हम इसका अपोजिट करते बी माइनस ए करते, तो यहाँ पर होता हमारा ए इन बी. ओके,
यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सेट डिफरेंस की जो हमने अभी देखा था। तो a माइनस बी जो होता है वो इक्विवेलेंट नहीं होता b माइनस ए के, क्योंकि अभी हमने देखा था। ओके तो इन जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात करेंगे तो हो भी सकता है बराबर, बट अगर हम इन जनरल वे में बात करेंगे तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। सिंपली अगर हम यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसकी बात हम करेंगे कि यू माइनस ए होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद ए माइनस बी का मतलब है कि हम ए में से माइनस कर रहे हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे क्या आ रहे थे, ए और अगर ए यू है यहाँ पर और हम माइनस करेंगे तो जो कॉमन है, ठीक है, ये देखिए आप, ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है, तो ये दोनों हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें से हटा देंगे हम, बाकी जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा तो 2, 3, 5 उस तरीके से आ जाएगा। सेम यूनियन को हम लेंगे तो यूनियन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स कि ए में से एक बार बी को माइनस करेंगे, देन बी में से उस ए को माइनस करेंगे और दोनों का हम यूनियन लेंगे, और ए माइनस ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, उसे भी हम यूनियन लेंगे। तो इस तरीके से ए यूनियन बी निकलेगा हमारे पास। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय दिस वन, इसी को क्या कहते हैं, XOR ऑपरेशन कहते हैं या एक्सक्लूसिव OR गेट कहते हैं, जो हमने डिजिटल में देखा था। यहाँ पर क्या है कि XOR जो हमारा है, ए XOR कंटेन ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ईदर ए ओनली और बी ओनली बट नॉट बोथ। दैट मीन्स कि दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट नहीं रहेंगे, बट वो एलिमेंट रहेंगे जो दोनों में अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी सेट को लें, ठीक है, इसी सेट को लें, यहाँ पर अगर हम इसी दोनों सेट को लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में जो है 1, 4 और यहाँ पे 1 और 4, तो इन दोनों को हटा देंगे, बाकी जो हमारे पास कॉमन बचेगा 2, 3, 5 वो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास और एलिमेंट होता, मान लीजिए 7 है, ठीक है, एक और एलिमेंट है, तो हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट आता वो आता 2, 3, 5 देन 7 भी इंक्लूड होता। तो ये हमारा XOR ऑपरेशन है। ओके, नाउ सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, फर्स्ट वन इज ए XOR बी, ठीक है। उसके बाद ये जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, इसको हम किसी भी तरीके से ए XOR बी करें या बी XOR या बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी करें तो उसके जो कम्युनिकेटिव लॉ है वो फॉलो करेगा, दैट मीन्स कि रिवर्स ऑर्डर भी सेम होगा। सेकेंड वन इज ए डिसजॉइंट ऑपरेशन, सिमेट्रिक ऑपरेशन, तो इसका वैल्यू जो होती है वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। दूसरा क्या है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड वन, अगर हमें तीन का ये करना है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसका क्या होगा, वो एसोसिएटेड लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव दैट मीन्स कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो कौन कौन से लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटेड लॉ फॉलो करता है। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में भी और यूनियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम से ये सारे जो हमारे चल रहे हैं सेट में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस बारे में हमारे यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से मैथ की क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक कि जब से ये सेट थ्योरी स्टार्ट होती है तब से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 9th क्लास से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं, दैट मीन्स कि दोनों में जो चीज़ कॉमन है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट लिया गया है और दो सेट अलग अलग लिए गए हैं, ए और बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, दैट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट वही पूरे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये ए है बी है और ये यूनिवर्सल सेट है,